तो भाई फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसमें मैं बताने वाला हूँ क्लैश ऑफ द कार्सल का सारा मैच का रिजल्ट, और मैं जितना रिजल्ट बताने वाला हूँ शायद एक मैच को छोड़कर बाकी सारा मैच का रिजल्ट फाइनल वही होगा। वैसे यहाँ पर देखो जो बैनर लगाई थी WWE क्लैश ऑफ कार्सल के लिए उसमें दो रेसलर तो अपियर ही नहीं हो रहे। फर्स्ट है कोडी रोड्स और बैकी लिच, दोनों का तो मैच ही नहीं है क्लैश ऑफ द कार्सल में। तो जो हमारा पहला मैच है वो मैच है लिव मॉर्गन और सेना बेजलर के बीच में। देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं वुमेन्स डिवीजन का मैच ज्यादा कवर नहीं करता हूँ, पर फिर भी इस मैच को जीतना चाहिए शायद लिव मॉर्गन, और शायद इस मैच को लिव मॉर्गन ही जीतने वाले, क्योंकि अगर उनको WWE चैंपियन बेल्ट दी है तो कुछ टाइम के लिए स्टीलो चैंपियन बनकर रहेंगे, और शायद फ्यूचर में सेना बेजलर एज ए चैंपियन देखने को मिल सकती है। पर स्टील इस मैच के लिए मेरा जो प्रेडिक्शन है वो है लिव मॉर्गन को लेकर, मतलब लिव मॉर्गन सक्सेसफुली चैंपियनशिप बेल्ट डिफेंड कर लेंगे क्लैश ऑफ द कार्सल। हमारी अगली जो मैच है वो है एक टैग टीम मैच जिसके एक साइड रहेंगे डेमन प्रिस्ट और फिन बैलर, उसके अपोजिट साइड रहेंगे रे मिस्टीरियो और एज। तो देखो मैं पहले ही बताया हूं इस मैच के अंदर बहुत सारा चीज WWE करने वाली है। शायद सबसे पहला चीज जो इस मैच के अंदर होगा वो है डोमिनिक मिस्टीरियो का हील टर्न, और शायद इस मैच के अंदर एज की भाई बेथ फिनिक्स भी इंटरफेरेंस करते हुए हमें दिखेगी। तो देखो इस मैच का अगर ओवरऑल मेरे से विनर पूछोगे तो इस मैच को ओवरऑल जीतेंगे जजमेंट, क्योंकि शायद इसका इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि डोमिनिक मिस्टीरियो हील टर्न ले ले, और डोमिनिक मिस्टीरियो के हील टर्न लेने के कारण एज इस मैच को हार जाएंगे। अब जो हमारा अगला मैच है ये क्लैश ऑफ द कार्सल का सबसे बेस्ट मैच होगा रेसलिंग वाइज। एक तरफ हमारे हैं गुंथर जिसको WWE बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है और अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है WWE, और उसके अपोजिट साइड है सेमस जिनको सिर्फ एक चैंपियनशिप बेल्ट चाहिए WWE से, उसके बाद वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे WWE। जी हां, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं सेमस को बस एक चैंपियनशिप बेल्ट चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट, उसके बाद वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे WWE। तो सोचना यह है क्या WWE ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनाएगी सेमस को WWE? तो इसका जवाब है हां, शायद WWE ऐसा कर सकती है, इस मैच में सेमस को जिता सकती है। देखो उसके पीछे सबसे बेस्ट रीजन यह है क्लैश ऑफ द कार्सल बहुत बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, और इस मैच को अगर सेमस जीतकर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनते तो उनको एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा, और गुंथर अगर एक मैच अगर हार भी जाए WWE में तभी वो इनिशियल टाइम में तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मेरे अकॉर्डिंग इस मैच को सेमस 100% जीतने वाले हैं, आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा जो अगला मैच होने वाला है वो है एक ट्रिपल थ्रेड मैच जिसमें एक साइड होने वाले हैं बेली के टीम और उसके अपोजिट साइड होने वाले हैं ब्लैंका ब्लेयर एलेक्सा और आस्का। तो देखो अगर इस मैच का रिजल्ट आना चाहते हो तो इस मैच का फंडा बहुत सिंपल, तो देखो बेली हाल ही में WWE रिटर्न किए तो वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकती, और आपको पता है वो न्यू अपना एक स्टेबल के साथ भी आई, तो भाई क्लियर है मेरे अकॉर्डिंग इस मैच को बेली ही जीतने वाली। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड लास्ट मैच है ये सबसे ज्यादा ब्रूटल मैच होने वाला है पूरा क्लैश ऑफ द कार्सल, जो कि होने वाला है रिडल और सेथ रॉलेंस के बीच में। देखो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, सेथ रॉलेंस लगातार 5-6 प्रीमियम लाइव इवेंट से लगातार हारते हैं। मुझे यह बात कंफर्म नहीं, पर इस साल जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट हुए हैं सब में सेथ रॉलेंस हारे हैं। सोचो सेथ रॉलेंस वो रेसलर थे जिन्होंने ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर को दो दो बार हराया। तो भाई मुझे ऐसा लगता है क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर शायद फर्स्ट टाइम मिलने वाला है सेथ रॉलेंस को मूवमेंट, और हां इस मैच के अंदर सेथ रॉलेंस जीत सकते हैं, क्योंकि WWE के पुराना रूल है वो बड़े मैच के अंदर बड़े रेसलर को ही जिताती है अपने कंपनी। तो भाई मेरा प्रेडिक्शन इस मैच के अंदर सेथ रॉलेंस के लेकर आप अपना कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं, पर ये मैच भी बहुत कमाल का होगा मैं पहले बता रहा हूं आपको। अब चलते हैं अपना फाइनल मैच के ऊपर जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं। तो देखिए इससे पहले मैंने जितने भी मैच का न्यूज कवर किया हूं सबको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है, पर देखो ये जो मैच होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड WWE चैंपियनशिप बेल्ट, ये मैच सबसे मुश्किल है। बाकी क्लैश ऑफ द कार्सल का कोई भी मैच में ऐसा नहीं लग रहा कि किसी रेसलर का रिटर्न होने वाला है, पर सिर्फ यही एक मैच है जिसमें मल्टीपल रेसलर का रिटर्न होने का रूमर आ रहा है। सबसे पहले रेसलर हो गए ब्रॉन स्ट्रोमैन जो कि ऑफिशियली इस मैच के अंदर आने वाले हैं। हमारे दूसरे नंबर के रेसलर हैं वो है फिंड, ये भी आने वाले हैं इस मैच के अंदर। हमारे थर्ड जो रेसलर है वो है टाइसन फ्यूरी, वो भी इस मैच के अंदर आने वाले हैं। तो देखो अगर ये सब रेसलर को हटाकर इस मैच को प्रेडिक्ट करें तो सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलता है। देखिए सबसे पहले रोमन रेंज को इस मैच का जीतने का सिर्फ दो कारण है। देखो सबसे पहला कारण ये है रोमन रेंज बहुत सारे रेसलर को WWE ऑलरेडी हरा चुके, जब वो ब्रॉक लेसनर से नहीं हारे तो ड्रू मैकइंटायर से क्यों हारे। रोमन रेंज के जीतने के पीछे सबसे बड़ा पॉइंट यही है, और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है उनका रॉक को लेकर मैच। सोचो अगर रोमन रेंज एक भी चैंपियनशिप बेल्ट अगर हार जाएंगे क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर तो उनका गॉड मोड वाला गिमिक ही खराब हो जाएगा, फिर वो ट्राइबल चीप किसी तरह से लगेंगे नहीं, इसलिए शायद रोमन रेंज को ये मैच को जीतना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ड्रू मैकइंटायर का तो उनके पास तो बहुत सारा पॉइंट है इस मैच को जीतने के लिए। ये मैच ऑलरेडी उनके होम टाउन में हो रहा है, ऑलरेडी थीम सॉन्ग भी चेंज हो चुका है इस मैच के लिए, और उसके बाद WWE को एक चैंपियनशिप बेल्ट भी चाहिए रॉ ब्रांड के ऊपर। सबसे बड़ा ये कारण बताया जा रहा है जिसके लिए रोमन रेंज अपना चैंपियनशिप बेल्ट हारेंगे वो है रोमन रेंज का शेड्यूल। जी हां, रोमन रेंज बहुत कम ही WWE अपीयर होने वाले, इसलिए रोमन रेंज के साथ चैंपियनशिप बेल्ट ले ले ड्रू मैकइंटायर। देखो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पता है क्या है, इस मैच के अंदर ना ही उसो जाने वाले और ना ही पॉल हेमन आने वाले। जी हाँ आप सही सुन रहे, ये मैच रोमन रेंज अकेले लड़ेंगे, कोई भी नहीं रहेगा रोमन रेंज। तो भाई चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है रोमन रेंज को इस मैच का जीतने, क्योंकि रोमन रेंज अभी तक बिना पॉल हेमन उसो के साथ ही कोई चैंपियनशिप बेल्ट अपना डिफेंड किया। देखो एक बात और मैं 100% आपको कंफर्म बता दूं, इस मैच के अंदर ऑस्टिन थ्योरी अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले हैं। मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये कैश इन करने वाले मनी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल डिसीजन पे, मेरे अकॉर्डिंग इस मैच को कौन जीतेगा। तो देखो अगर रोमन रेंज और ड्रू मैकइंटायर का एकदम क्लियर फाइट हुआ, किसी का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, तो इस मैच को फिर रोमन रेंज बुरी तरह से हराएंगे ड्रू मैकइंटायर को, या फिर ड्रू मैकइंटायर बुरी तरह से हराएंगे रोमन रेंज को। WWE इस मैच को लेकर कोई
थोड़ी लुका छिपी वाला खेला नहीं खेलने वाली है, क्योंकि या तो इस मैच के अंदर रोमन रेंज को एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है या तो ड्रू मैकइंटायर। एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है ड्रू मैकइंटायर के साथ। अगर आपको याद होगा आज के 2 साल पहले ब्रॉक लेसनर को ड्रू मैकइंटायर बहुत क्लियर तरीके से हराए, पर ड्रू मैकइंटायर को वहां पर एक मूवमेंट नहीं मिला था। शायद क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर WWE एक मूवमेंट देने वाले ड्रू मैकइंटायर। तो भाई देखो मैं फाइनल ये बात बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग इस मैच को जीतने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा पॉइंट है ड्रू मैकइंटायर को इस मैच को जीतने। पर अगर WWE कोई सीन क्रिएट की तो फिर मुझे नहीं पता इस मैच को कौन जैसे वाला। अगर WWE इस मैच के अंदर कोई भी रेसलर का रिटर्न करवाती फिर कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता इस मैच का रिजल्ट। कल 10:30 बजे से ये मैच लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाए, तो अगर आपको लाइव देखना है मैच तो आप लाइव भी देख सकते हैं, अगर नहीं तो मेरे चैनल पे आकर वीडियो भी देख सकते हैं। और हाँ सब लोग कमेंट करना मत भूलना आपके अनुसार इस मैच को कौन जीते। तो बहुत मेहनत से भाई आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो सब लोग लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल साथ मैं अपने चैनल पे 4-5 वीडियो में पोस्ट करूं WWE से। फिर से बोल रहा हूं जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक। और अगर आपको डेट एंड टाइम जानना है इस मैच का, अगर आपको ये जानना है कि मैच हम कैसे देखें, तो आप जा सकते हैं मेरे वीडियो।